हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो ये देखिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं अपने 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये कॉटन की ड्रेस बना रहे हैं हम। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 पीस ले लिए हैं, दोनों को डबल फोल्ड करके ले लिया है। इसकी हमने पूरी इसकी दोनों पीसों की लंबाई 28-28 इंच ली है और इसकी चौड़ाई लगभग 6 इंच है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम एक पीस ले लेंगे और उसमें हम छोटी छोटी पलेट्स डालते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आगे की साइड कपड़ा छोड़ते हुए पलेट्स डालेंगे, ताकि कपड़ा इसलिए छोड़ेंगे ताकि उसमें हम एक जगह जॉइंट करें या डबल फोल्ड करें, तो उसके लिए कपड़ा छोड़ा है हमने। ये देखिए, एक दूसरे पल के ऊपर चढ़ाते हुए पलेट्स, छोटी छोटी पलेट्स डालेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, इसी प्रकार से आप पलेट्स डालेंगे। ताकि इसके ऊपर चौड़ाई कम रहे, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर इसमें पलेट्स डालेंगे चढ़ाते हुए। ये देखिए, इसकी हमने दोनों कपड़ों की लंबाई 28 इंच इसलिए ली थी ताकि इसमें हमारा ज़्यादा घेर बने। ये देखिए, ऐसे ही हम इसमें दो इसमें पलेट्स डाल देंगे। ये देखिए, हमने दोनों में पलेट्स डाल ली हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है, एक पट्टी ली है हमने यहाँ पर। ये देखिए, पहले हम इसको डबल साइड एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, दोनों को एक एक साइड से। ये देखिए, हमने दोनों फोल्ड कर लिए हैं, एक साइड से करा है, एक साइड से हमने छोड़ दिया है। ये देखिए, अब हम इस पर नेफा लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए, ये देखिए, हम इस पर नेफा लगाएंगे। दोनों साइड से हम कपड़े को अंदर फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे इसमें से धागे ना निकलें, और इसमें हम नेफा जोड़ देंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे हम दूसरे पे लगा लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों पे कपड़ा लग चुका है नेफे वाला। अब इसको हम नेफा बनाएंगे डबल फोल्ड करते हुए। यहाँ पे हम 1 इंच का नेफा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ऐसे ही, इधर से डबल फोल्ड करते हुए इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दोनों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब जो हमने एक एक साइड ऐसे छोड़ी थी ना बिना फोल्ड किए हुए, उन दोनों को अटैच कर देंगे। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये नेफे वाला हिस्सा छोड़ करके नीचे ही सिलाई लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए, एक साइड से हमारे जॉइंट हो चुके हैं और एक साइड से हमारा खुला रहेगा। ये देखिए, हमने नेफे का हिस्सा छोड़ दिया है। ये देखिए, इधर से हमारा खुला रहेगा ये। और ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 पट्टी ले ली हैं, 1.5 इंच इनकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए, इनको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब एक सेफ्टी पिन की मदद से अब इन्हें हम नेफे के अंदर डालेंगे दोनों पट्टियों को। ऐसे ही दूसरे में डाल देंगे हम। तो हमारी दोनों पट्टियाँ डल चुकी हैं। अब इन जो हमारे ये खुला हुआ हिस्सा है पट्टियों का, जो अब इसमें हम मतलब फूंदने या कुछ भी आप बोल सकते हैं इनको, ये लगाएंगे हम। ये देखिए, हमने गुलाई से 4 पार्ट कट कर लिए थे, 4 पीस। ये देखिए, तो हमारे चारों में लग चुके हैं। अभी हम देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमने ड्रेस पहना दी है।
देखिए ऐसे आसानी से पिन जाएगी ये ड्रेस। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं कि ड्रेस कैसी बनी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर ए वीडियो।